हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फर्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल वी हैव अ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो डेंसिटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, या टेम्परेचर चेंज करने से डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई भी सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम हीट करने से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सॉलिड या लिक्विड ले लिया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इनका वॉल्यूम क्या कर रहा है हमारे पास, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, न्यू जो वॉल्यूम होगा या चेंज्ड वॉल्यूम होगा, हम कर चुके हैं, कितना वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, वी डैश विल बी वी इंटू वन प्लस गामा डेल्टी, है ना। वी डैश इज इक्वल्स टू वी इंटू वन प्लस गामा डेल्टी। तो वॉल्यूम को ये लिख दे मास बाय डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम को क्या लिख देंगे, मास बाय डेंसिटी। तो डैश सिंबल यूज हुआ है न्यू चेंज वैल्यू के लिए, ठीक है, डैश इज यूज फॉर चेंज। तो वॉल्यूम को क्या लिख दो, मास बाय डेंसिटी। अब मास पे तो देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहे हैं बट मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सही है। बट डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो डेंसिटी को हमने रो डैश से लिख दिया, ओरिजिनल वॉल्यूम यानी मास बाय डेंसिटी, ठीक है, वन प्लस गामा डेल टी। एम से एम क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो रो डैश किसके इक्वल है, रो डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू, देखो ये रो डैश इधर गया, रो इधर चला गया, तो रो के डिवाइड में चला जाए ना, वन प्लस गामा डेल टी, सही है, वन प्लस गामा डेल टी। तो रो इंटू वन प्लस गामा डेल टी पूरे की पावर कितनी आ गई, माइनस वन, ठीक है। तो रो डैश इज इक्वल्स टू रो, अभी बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो ये माइनस किधर चला जाएगा, आगे, वन माइनस गामा डेल टी। तो रो डैश कैसे मिल रहा है, देखो रो माइनस रो गामा डेल टी। तो रो क्या था, ओरिजिनल डेंसिटी, तो ओरिजिनल डेंसिटी में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो तो न्यू डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये डिक्रीज होके मिल रही है ना कोई क्वांटिटी, तो यानी डेंसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड की जनरली डेंसिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। बट अगर वाटर का बिहेवियर देखें ना, तो वाटर का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। सो क्या डिफरेंस है वाटर के बिहेवियर में, लेट्स डिस्कस नाउ। तो वाटर के वॉल्यूम का अगर बिहेवियर देखें टेम्परेचर के साथ, ठीक है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा प्लॉट होता है, ठीक है। वाटर का हम बिहेवियर देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू, रीडिंग ली हुई है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है, वॉल्यूम किसका ले लिया, 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है, 1 kg वाटर ले लिया हमने, सही है। तो सबसे पहले देखो, और ये यूनिट कौन सी है वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर की, 10^-3 मीटर क्यूब, ठीक है, 10^-3 मीटर क्यूब, सही है। चलो अब ये है हमारे पास 1, यहाँ वैल्यू है 1.000 है वैल्यू इसकी, वैसे तो बट स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रही हूँ, 1.00013 इंटू 10^-3, ठीक है। नेक्स्ट है 1.04343, सही है, इंटू 10^-3, सही है। चलो अब अगर नीचे ले लेते हैं टेम्परेचर 0.5, ठीक है, 5°C में ले लेते हैं, 10 ऐसे करते करते टेम्परेचर किधर तक जाएगा, 100°C तक चला गया मान लो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे वाटर ले लिए एक बार 0°C पे, तो 0°C पे कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, ठीक है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, तो 0° पे था वॉल्यूम वाटर का इतना, जैसे ये देखो 4 है, 0° पे वॉल्यूम इतना, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ तो वॉल्यूम क्या करेगा हमारा, डिक्रीज हुआ, ठीक है, वॉल्यूम क्या करेगा हमारा, डिक्रीज हुआ। देन एकदम से ये इंक्रीज करेगा और 100°C पे कहाँ पहुँच जाएगा, इतना। देखो अभी हमने रिलेशन किया था दैट रो डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू वन माइनस गामा डेल्टी,
इसका क्या मीनिंग हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या करती है हमारी, डिक्रीज, ठीक है। बट 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में थोड़ा सा वाटर का बिहेवियर अलग रहता है, तो वॉल्यूम देखो डिक्रीज कर रहे हैं ना, फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम लीस्ट है तो डेंसिटी क्या होगी वहाँ पे, मैक्सिमम, ठीक है। तो रो इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑल्दो लिक्विड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हमने बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लिक्विड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज ना, बट डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। फिर वॉल्यूम देखो यहाँ एक्सपेंड कर रहा है, इस यहाँ से फो बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस देखो क्या हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होते ही वॉल्यूम देखो इंक्रीज कर गया है ना, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब डेंसिटी क्या कर रही है हमारी, डिक्रीज कर रही है, जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई भी कर रही है। बट 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। तो जो ये बिहेवियर है ना वाटर का, कि 4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी डेंसिटी क्या करेगी, यानी 0 से टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हुए, 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी इंक्रीज करते करते एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो होता क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना हमारे, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके सर्वाइवल के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहता है वाटर का बिहेवियर। ऐसे कैसे, वो देखो कि जैसे सपोज एक्वेटिक एनिमल्स है और कोल्ड रीजन में एक्वेटिक एनिमल्स है, मान लो, ठीक है, किसी ओशन में या लेक में, ये लेक प्रेजेंट है सपोज कोल्ड रीजन में, तो जैसे ही वाटर का टेम्परेचर कितना पहुंचेगा, डिक्रीज हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर किधर चला जाएगा, नीचे। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले मोलिक्यूल्स किधर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ठीक है। और ऊपर जो वाटर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ऊपर जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो अब किसके कांटेक्ट में आएंगे, सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस जा रहे, तो ये चला गया टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस, फिर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर डेंस होने की वजह से नीचे एक्यूमुलेट करता जाएगा, ठीक है। तो ये जो वाटर का बिहेवियर है एक्वेटिक एनिमल के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहे सपोज, तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी लेक या ओशन क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा, ठीक है। और एक्वेटिक एनिमल्स या कोई भी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो नीचे वाटर क्या रहता है, सरफेस के वाटर से वार्म रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं, जिस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो जनरली लिक्विड का या सॉलिड का डेंसिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट वाटर की डेंसिटी अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम पे पहुंचे, फिर वाटर की डेंसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो दिस हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। थैंक यू।